बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज का नुस्खा मेरे उन दोस्तों के लिए जो गर्म मिजाज या गर्म तबीयत के हैं और वो सूरत अनज़ाल, मनी का पतलापन, गिरियान इतलाम, टाइमिंग की कमी, बे औलादी, जरासीम की कमी, मनी का बिल्कुल पानी की तरह पतला होना, दुबले पतले हैं और कमज़ोर जिस्म के मालिक हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा है जो उनकी सूरत अनज़ाल, जिरान, इतलाम, टाइमिंग की कमी, बे औलादी, जरासीम की कमी, मनी का पतलापान, कमज़ोर जिस्म को मोटा करेगा। तो बहुत आसान सा नुस्खा है, आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं। बस आपने करना क्या है कि पिनसार स्टोर से जा के ये चीज़ें ख़रीद लेनी हैं और उसके बाद इन चीज़ों को घर ले आके जिस तरह मैं बताऊँगा इस्तेमाल करना है। कोशिश किया करें कि नमाज़ पढ़ा करें, ज़हन में बुरे ख्यालात को ना आना दिया करें, अपने ऊपर कंट्रोल रखा करें, सदका ज़कात दिया करें अगर आप इसके आयल हैं। तो आज के नुस्खे की तरफ आते हैं, तो इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो नोट कर लें, कापी पेंसिल संभाल लें। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी मूसली सफ़ैद इंडियन 25 ग्राम, शिकागल मिस्री आपको चाहिए होगी 25 ग्राम, गोंद कीकर आपको चाहिए होगा 25 ग्राम, मगज़ पंबा दाना यानी बनोला का जो मगज़ होता है उसके अंदर जो चीज़ होती है बीज के अंदर, वो आपको चाहिए होगी मगज़ पंबा दाना 50 ग्राम, इलायची खुर्द छोटी इलायची सब्ज़ इलायची ये आपको चाहिए होगी 15 ग्राम, मुस्तगी रूमी आपको चाहिए होगी 60 ग्राम। ये तमाम चीज़ें छान पूछ के आपने इनको बारीक बिल्कुल पीस लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। अब आपने इसको 600 ग्राम शहद जो लेके शहद में मिला के आपने इसको मिक्स कर लेना है। आपने इसको खाली पेट 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करना है, नीम गर्म दूध के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। एक एक जो खाने वाला चम्मच होता है वो इसके साथ आपने इसको एक एक चम्मच आपने खा लेना है 2 टाइम, यानी खाली पेट आपका हो, सुबह नहार मुँह भी खा सकते हैं और असर के वक्त भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो अमराज आपको बताए हैं इन अमराज का ये बिल्कुल ख़ात्मा करेगा और आपकी जिनसी ज़िंदगी जो है ना, शादीशुदा ज़िंदगी है, वो बेहतरीन हो जाएगी। तो मेरे लिए दुआ करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए।